हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान का झंडा बनाकर कदमों तले रोंदा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से नाराज देश की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को बनाया व उसे कदमों तले रोंदकर विरोध प्रदर्शन किया व देश के सैनिकों के साथ कदमों से कदम मिलाकर चलने की बात भी कही। आपको बताते चले, यूपी के सीतापुर शहर के मुख्य चौराहे लालबाग पर आज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, जहां पर कार्यकर्ताओं ने काफी गुस्सा व नाराजगी भी जाहिर की। वही कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसे कदमों तले रोंदने का काम किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के झंडे पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलवामा में हुए नापाक आतंकी हमले का विरोध करते हुए देश की जनता देश के सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने की भी बात कही। पाकिस्तान जैसा सुअर देश जिसके नक्शा की शक्ल ही कुत्ते जैसी है, उसने जो नापाक हरकत करी है, अब हिंदुस्तान की जनता ने पूरा ठान लिया है उसको कदमों तले रौंदना है। उसके झंडे को आज सांकेतिक रूप से हिंदू वाहिनी सीतापुर के द्वारा रौंदने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खैराबाद टोल से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। खैराबाद टोल में झंडा बना करके उसको कदमों से रौंदा गया है। छोटे छोटे बच्चों ने उससे पेशाब की है। यही काम कार्यक्रम लालबाग चौराहे पर किया जा रहा है। यह जिस औकात का देश है इसको उसकी औकात दिखा देनी है। भारतीय सेना जो अपना कार्य कर रही है, भारतीय सेना को अपना समर्थन देते हैं हम लोग, और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना के साथ में कदम से कदम ताल मिला करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और देश की जनता इस लालबाग चौराहे पर सिम्बॉलिक रूप से यह इसलिए बनाया गया है जिससे कि शहर की जनता अपने कदमों तले, हिंदुस्तान के जानवर अपने कदमों तले इस देश के झंडे को रौंदे।